आज अपन लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर है। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आ चुके होते हैं, मगर थोड़ा सा मैं ध्यान दिलवाऊंगा यहाँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पहले खोज हुई थी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिस्कवर्ड बाय हिपरकस, जो ग्रीक मैथमेटिशियन था, उन्होंने इसका ट्रिग्नोमेट्री की खोज की। और उसके बाद हिपरकस केवल 90 BC से लेके, मतलब उसका जन्म है 90 BC में और उसकी डेथ हो गई 120, केवल 30 साल की उम्र में हमें बहुत कुछ दे गया। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आया मैथमेटिक्स में, वो 17th सेंचुरी में जाके आया। उससे पहले इनवर्स फंक्शन खोज हुआ। इनवर्स फंक्शन के बारे में जब तक हम नहीं जान पाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो इतना क्लियर नहीं हो पाएगी। देखो, मकान मिट्टी का भी बन जाता है, मकान RCC का भी बनता है। कहने को दोनों मकान होंगे, मगर मिट्टी का मकान ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिल बना सकते हैं, 3 मंजिल खड़ी कर सकते हैं। RCC का मकान एक ऐसा मकान होता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी सहन कर सकता है। इसी तरह से अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके चलेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हाँ, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पहले थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ कुछ पॉइंट्स किसके, इनवर्स फंक्शन जो पिछले यूनिट 1 में बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ओके, जैसे एक फंक्शन लिया sin θ = x, जे हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले लिया। और अगर मैं साइन फंक्शन को राइट हैंड साइड में पहुंचा दूंगा तो ये बन जाता है इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन कैसे कह सकते हैं? इनवर्स फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन नहीं होता। साइन इनवर्स एक्स का मीनिंग ये नहीं होता कि हम साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x लिख सकें। अब सोचना है कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है, वो हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। इनवर्स फंक्शन मीन्स होता है रिवर्स फंक्शन। जैसे f(x) = y है, अगर हम x = लिखें f(y), माने डोमेन से एलिमेंट किस में पहुंचता है इमेज बनकर, कोडोमेन में। अब कोडोमेन की वैल्यूज यहाँ पुट की जाएगी, माने डोमेन उसकी रेंज की वैल्यू पुट की जाएगी और यहाँ से फंक्शन की वैल्यू निकाली जाएगी, माने इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन की क्या कंडीशन थी? कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन होगा अगर वो 1:1:2 हो, मीन्स इंजेक्टिव बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव और दोनों का कॉमन नेम मिलके, दोनों जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो एफ इनवर्स एफ या एफ ओ एफ इनवर्स दोनों मिलके आइडेंटिटी फंक्शन आ जाते हैं तो उसको भी हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री की खोज हुई, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी पहले डिस्कवर हुआ मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट, वो था इनवर्स फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कवर किया था 17th सेंचुरी में डेनियल बर्मा ने, ठीक है। तो चलो, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं उतना। हाँ, अब हम जब इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे तो इनवर्स फंक्शन की स्टार्टिंग होती है एक्सरसाइज 4A में, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। अब प्रिंसिपल वैल्यूज जब हम निकालते हैं तो उसमें हमें फंक्शन इनवर्स फंक्शन की 2 चीज़ें पता होना चाहिए कि उसका डोमेन क्या होता है और उसकी रेंज क्या होती है। और डोमेन
जैसे साइन इनवर्स एक्स का डोमेन मैंने बताया माइनस वन से वन, रेंज बताई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। मगर मैं बता दूं और आप लोग रट लो, ये मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका नहीं होता। मैथमेटिक्स अगर पढ़ना है तो पहले तो ये पूछा जाता है कि कब ये मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट कब आया, किसने बनाया, क्यों बनाया, और फिर डोमेन और रेंज होते कैसे हैं, और ये हमें रटना नहीं है, ये फाइंड कैसे कर सकते हैं वो हम टेबल से बताते हैं। ओके, फंक्शंस साइन इनवर्स एक्स, साउंड आ रही है ठीक, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन सिक्स होते हैं उसी तरह से उनके इनवर्स भी सिक्स होते हैं। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन टू, तो यहां पर थीटा ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आंसर वन अपॉन टू दे, तो इसकी दो प्रिंसिपल वैल्यूज निकलती थी। कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं वो दो होती हैं, लेकिन इनवर्स फंक्शन में यूनिक होती है, एक ही वैल्यू निकल के आएगी प्रिंसिपल वैल्यू। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इधर हम लिखेंगे डोमेन, इधर लिखेंगे इसकी रेंज। एक और बता दूं आप लोगों को मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी नहीं रटना, यहां मैं जो लिखूंगा आप लोग खुद उसको फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो, समझ सकते हो कि हम डोमेन रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं, रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन माइनस वन से वन, इनवर्स फंक्शन में डोमेन वही होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की रेंज होता है, तो साइन थीटा की रेंज क्या थी, माइनस वन से वन, माने हमने देखा था कि साइन थीटा में एंगल कुछ भी रखा जाए आपको वैल्यू मिनिमम माइनस वन, मैक्सिमम प्लस वन, और माइनस वन से लेके प्लस वन तक इनके बीच में कोई सी भी रियल वैल्यूज मिल जाएगी। क्लोज इंटरवल है ये। कॉस इनवर्स एक्स की भी रेंज माइनस वन से ले, सॉरी डोमेन माइनस वन से लेके वन, ये क्लोज इंटरवल चल रहे हैं। टेन इनवर्स एक्स रियल नंबर, कॉट इनवर्स एक्स रियल नंबर, सेक इनवर्स चलता है माइनस इनफिनिटी से लेके माइनस वन यूनियन वन से लेके इनफिनिटी तक, और ये भी चलता है इसी फॉर्म में। हाँ, अब आप पूछ सकते हो मेरे से, ये यहां तक समझ में आ गया कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन माइनस वन से लेके वन तक, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन माइनस वन से वन तक, क्योंकि आपने बोला कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की रेंज थी वो यहाँ डोमेन में चलेगी, क्योंकि फंक्शन इनवर्स हो चुका है, पलट चुका है फंक्शन। ओके, टेन इनवर्स एक्स की रेंज, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन रियल, रियल मीन्स टेन थीटा कॉट थीटा हम पढ़ते थे, इसमें हम एक्स की वैल्यू रखते थे, कोई भी वैल्यू निकल के आती थी, कोई भी रियल वैल्यू निकल के आती थी, तो रियल, रियल का मतलब होता है माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी ओपन इंटरवल में। ओके, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन ये चलेगा, अब ये भी नहीं रटना, सेक इनवर्स का आंसर यहां माइनस इनफिनिटी से लेके माइनस वन तक, वन से लेके इनफिनिटी तक, इसका सेंस ये हुआ कि आपकी ये वैल्यू हट गई, इसका डोमेन ये चल रहा है, तो ये बीच की वैल्यू कहां गई,
ये 20 की वैल्यू हम क्यों नहीं ले रहे, उसको क्लियर कर दें। देखिए जैसे मान लो sec inverse x equal to theta, ओके, मैं इनके बीच की वैल्यू लेके चलता हूं, देखता हूं sec inverse माइनस वन और वन के बीच में क्या वैल्यू ले रहे हैं, चलो वन बाई टू ले लेते हैं, तो वन अपॉन टू इक्वल टू sec theta, तो टू इक्वल टू cos theta, तो आपको पता है cos theta की वैल्यू टू होती नहीं है, cos theta की वैल्यू टू नहीं होती तो इसका मतलब sec theta वन अपॉन टू नहीं हो सकता, वन अपॉन टू नहीं हो सकता इसका मतलब इसके डोमेन में sec inverse x के डोमेन में माइनस वन से लेके माइनस वन और वन के बीच की कोई सी भी वैल्यू नहीं आ पाएगी, माने हम इस फंक्शन में x की जगह माइनस वन और वन के बीच की वैल्यू नहीं रख पाएंगे क्योंकि उस पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, उसके डोमेन में वो वैल्यूज आ ही नहीं सकती, क्लियर, ओके। अब चलते हैं कि इनकी रेंज कैसे बनती है, ओके, तो इनकी रेंज बताने के लिए थोड़े दो तीन फॉर्मूले और लिखने पड़ेंगे। हाँ, ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे इनवर्स के, नंबर वन साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, नंबर दो टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉस कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, ये फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं और ये प्रूफ करेंगे, हम इन्हें प्रूफ करेंगे, कुछ भी रटना नहीं, मैथमेटिक्स में रटना है ही नहीं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मैं बताऊंगा इसमें इनमें डायरेक्ट माइनस बाहर क्यों आ रहा है और इसमें पाई क्यों लग रहा है। कॉस इनवर्स सेक इनवर्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, सिक्स कोसेक कॉस इनवर्स सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स पाई माइनस कॉट इनवर्स। देखिए ये भी देखना है हमको कि इसमें इसमें और इसमें इन तीनों का एक ग्रुप है और इस तीनों का इन तीनों का एक ग्रुप है, माइनस एक्स लिया साइन इनवर्स एक्स sec इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स, इनमें माइनस डायरेक्ट फंक्शन के बाहर आ गया और इनमें लग रहा है cos इनवर्स माइनस एक्स में लगाना पड़ रहा है पाई, इसमें भी लगाना पड़ रहा है हमको पाई, इसमें भी लगाना पड़ रहा है पाई, तो क्वेश्चन बनता है आप लोगों को, अब लाइव तो सामने तो हो नहीं तो मैं बता देता, तो या कोई स्टूडेंट पूछता कि इनमें माइनस डायरेक्ट बाहर क्यों आ रहा है, इनमें पाई क्यों लग रहा है, तो क्लियर कर देते हैं, कोरोना संकट की वजह से क्या करें, खाली क्लास पढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट है और चलो। हाँ तो देखो लेट, तो ये प्रूव करते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स क्यों होता है और इस वाले में इन तीनों में पाई क्यों लगाना पड़ता है, ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। केस तो लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। हाँ एक चीज और बता दें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाने होता है आपका एंगल की ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम एंगल्स फंक्शन से एंगल बना लेते हैं, तो जितने भी फॉर्मूले प्रूव करना है तो इनवर्स फंक्शन को हमेशा हम एंगल सपोज करेंगे, माने आप कह सकते हो इनवर्स फंक्शन मींस एंगल, ओके। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, थीटा
थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन को मैं इधर लाया, इनवर्स फंक्शन को इधर लाया, तो ये साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया, साइन माइनस थीटा इक्वल टू एक्स हो गया, साइन को उधर फिर ले जाओ तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और माइनस को भी उधर ले जाओ तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, और हमने थीटा सपोज किया था ये, तो ये साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि इसमें माइनस बाहर क्यों आ गया। अब देखते हैं कि इनमें पाई कैसे लग गया, चलो इसको भी देखते हैं। नोट तो शायद कोई कर नहीं रहा होगा, जब रेगुलर क्लास होगी तब आप लोग नोट कर लेना, लेकिन भाई मैंने पहले कह दिया कि डायरेक्ट फॉर्मूले लिख दूं मैं, सवाल करना आप लोग सीख जाओगे, लेकिन होगा वही हाल जैसे एक मिट्टी का मकान एक आरसीसी का मकान, कहना कहने को हम दोनों को ही मकान बोलेंगे, मगर मजबूत कौन सा होगा, आरसीसी का। आरसीसी के मकान को हम 3 मंजिल 4 मंजिल तक 5 मंजिल 40 मंजिल 100 मंजिल तक बना सकते हैं, लेकिन इंजीनियर की देखरेख में, और मिट्टी का मकान तो बन जाएगा मकान, रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भूकंप वगैरह कोई ऐसी परिस्थिति आई तो ढह जाए, आगे नहीं चल सकते, उसमें हम लॉन्ग लाइफ उसको नहीं बना सकते। ऐसी कौन तो मेरी थ्योरी अगर समझ में आने लगे और हम थ्योरी बेस पर अगर चलते हैं उसके बाद सवाल स्टार्ट करेंगे तो एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग, मतलब एक हमारे मैथमेटिक्स एक स्ट्रॉन्ग तरीके से चलता है, और हम फॉर्मूला साइड से लिख लो, सवाल करते जाओ, ये फॉर्मूला लग रहा है, ये सवाल हो रहा है, कोई सेंस नहीं, सेंसलेस ऐसे पढ़ना। रास्ता सरल लगता है फॉर्मूले लेके सवाल किए, मगर आगे सक्सेस कठिन हो जाती है, और अगर हम यहीं शुरू से ही कठिन रास्ता लेके चलेंगे तो आगे की सफलता आसान हो जाती है, उसका रास्ता आसान हो जाता है सफलता प्राप्त करने का। हाँ, लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें पाई क्यों लगेगा। ओके, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। हाँ, एक बात आप लोग ध्यान से समझना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन को या फॉर्मूले को जब भी प्रूव करना होता है तो इनवर्स वाले फंक्शन को थीटा सपोज किया जाता है, उसके बाद उसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फंक्शन की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, माइनस प्लस वाली, उसके ऑल सिल्वर टिकअप वाली, उसके बाद प्रॉपर्टी यूज करने के बाद फंक्शन को दोबारा इनवर्स फंक्शन बना के और एंगल की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, हमारे सवाल सॉल्व होते चले जाएंगे और फॉर्मूले भी प्रूव इसी तरह से हो जाते हैं। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले प्रूव करते हैं सबको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करके ही किया जाता है। अब कॉस माइनस थीटा इक्वल टू एक्स, बताओ सही है क्या? आप लोगों का अगर आप लोग सामने होते तो कहते नहीं है सही सर, हमें ऑल सिल्वर टीका, माने हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं 11th में, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये स्टेप यहाँ गलत हो जाएगी, जबकि साइन वाले के लिए ये स्टेप चल गई थी। तो अब हम देखेंगे कि इस माइनस का अरेंजमेंट कैसे किया जाए, तो इस माइनस को ले सकते हैं हम, हमको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम ले जाएं इसको, कॉस फाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल सिल्वर टी कप सेकंड क्वाड्रेंट साइन का होता है, कॉस एफ का होता है, वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो कॉस फाई माइनस थीटा क्या देगा, माइनस कॉस थीटा, तो फाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा फाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को मैं साइड ले आया, थीटा को उधर ले आया, उसके बाद हमने टर्म को ट्रांसफर कर दिया, जो बच्चे पुराने पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि सर की ये हैबिट है, 2-3 स्टेप एक साथ कभी कभी भूल कर देते हैं, तो मैं बता दूं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं 11th वाले जो 12th में आए हैं,
कॉस को इधर ले गए, उसके बाद माइनस थीटा को मैं इधर ले गया, कॉस इनवर्स एक्स को इधर ले आया, उसके बाद मैंने टर्म को ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दी, तो आपको ये स्टेप मिल जाएगी। और बाद में हम थीटा की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, ये रिप्लेस कर दीजिए यहाँ, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो जो मेरे को बताना था वो अब शायद क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स में माइनस बाहर आ जाएगा अगर एक्स माइनस का है, और कॉस इनवर्स एक्स मतलब कॉस इनवर्स माइनस एक्स में, कॉट इनवर्स माइनस एक्स में, और सेक इनवर्स माइनस एक्स में आपको क्या लगाना पड़ेगा पाई। ओके चलिए अब हम इनकी रेंज, रेंज भी नहीं रटना, जैसे हमने डोमेन लिखा समझ के उसी तरह से हम इन सारे फंक्शन की रेंज लिख देंगे बिना रटे हुए बनाएंगे, वो कैसे बनती है वो देखिए। साइन इनवर्स एक्स आप लोग 11th में इतना सीख ही चुके होंगे कि जब हमें डोमेन पता चल जाता है कि इसका डोमेन ये है, डोमेन माने x की वैल्यू, रेंज माने फंक्शन मींस y की वैल्यू, तो जब हमें डोमेन पता चल जाता है उन हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अप्लाई करते हैं। तो साइन इनवर्स माइनस वन मतलब इसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी है माइनस वन, हाइएस्ट वैल्यू कितनी है इसकी वन, ठीक है ये इसका डोमेन है और डोमेन से ही हम रेंज बना लेंगे। साइन इनवर्स वन में माइनस बार आ जाएगा और साइन इनवर्स वन साइन पाई बाई टू होता है, साइन वन की वैल्यू इनवर्स साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो आंसर आया माइनस पाई बाई टू। इस तरह से अगर मैं यहाँ प्लस वन लूंगा तो ये डायरेक्ट दे देगा प्लस पाई बाई टू, तो आपको पता चल गया कि साइन इनवर्स एक्स की माइनस वन पर हमें कितनी वैल्यू मिल रही थी माइनस पाई बाई टू, वन पर कितना देगा साइन इनवर्स वन पाई बाई टू, तो ये हमें साइन इनवर्स की रेंज निकल के आ गई, नहीं रटना पड़ा ना और आगे भी नहीं रटोगे। देखो कॉस इनवर्स वन, चलो पहले माइनस वन यूज कर लेते, कॉस इनवर्स माइनस वन में पाई लगाना पड़ेगा, समझ में आ गया होगा, अवेल मैंने फॉर्मूले इसीलिए ही प्रूव किए कि रेंज निकालने के लिए वो इनवर्स वाले फंक्शन के फॉर्मूले हमें पहले पता होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स में पाई लगेगा, ये माइनस हट गया पाई लग गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में वन किसकी वैल्यू होती है कॉस जीरो की, तो ये पाई माइनस जीरो मीन्स पाई, तो कॉस इनवर्स माइनस वन की वैल्यू निकल के आई पाई, और कॉस इनवर्स वन देगा जीरो, ये हमें वैल्यू मिली जीरो और पाई। अब आप कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर पहले माइनस वन पर पाई दे रहा है, वन पर जीरो दे रहा है, तो पहले हम पाई लिखेंगे फिर जीरो लिखेंगे, नहीं रेंज लिखते समय हमेशा हम लोएस्ट वैल्यू पहले लिखते हैं और हाईएस्ट वैल्यू बाद में। ओके तो ये इसकी रेंज हो गई क्लोज इंटरवल में जीरो टू पाई। थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, ठीक है चलो। हाँ टेन इनवर्स R means हो गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये भी हो गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ओपन इंटरवल, तो tan tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है पाई अपॉन टू, माइनस इंफिनिटी माइनस देगा, जिसकी रेंज हमने डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल, ये tan इनवर्स x फंक्शन की रेंज हो गई। उसके बाद कॉट इनवर्स की रेंज देखते हैं, तो कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी, कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी में आप लोग बताइए पाई लगेगा कि नहीं, पाई लगेगा
पाई लगाना पड़ेगा माइनस हटाने के लिए, पाई माइनस कॉट इनवर्स इन्फिनिटी, कॉट इन्फिनिटी, कॉट में इन्फिनिटी कौन सा एंगल देता है, पाई अपॉन टू, नो टेन पाई अपॉन टू इन्फिनिटी होता है, कॉट इन्फिनिटी देता है कॉट जीरो की वैल्यू, कॉट जीरो माने साइन अपॉन कॉस, तो कॉट जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी देती है, तो ये दे देगा जीरो, तो ये दे देगा पाई, और कॉट इनवर्स इन्फिनिटी मीन्स डायरेक्ट लिख दो जीरो। ये दोनों वैल्यूज हमने ली, यहाँ यूज की इन्फिनिटी, आपको पता है कि इन्फिनिटी तो कोई वैल्यू होती नहीं है, वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, ये ओपन में रखनी पड़ती है, तो इसकी रेंज भी हमें ओपन में ही लिखनी पड़ेगी जीरो टू पाई। ओके, तो आप लोग ना तो आपको ये रटना पड़ा, याद नहीं करना बिल्कुल भी, ना ये याद करना पड़ा, आप देख रहे हैं कि डोमेन से हम इनकी रेंज निकालते जा रहे हैं। अब ये देखते हैं sec इनवर्स का जो डोमेन है, sec इनवर्स x का जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक है, माइनस वन तक, और उसके बाद वन से लेके इन्फिनिटी तक, हम यहाँ वैल्यू यूज करेंगे माइनस वन, sec इनवर्स माइनस वन, पाई माइनस sec इनवर्स वन, पाई माइनस sec इनवर्स, sec जीरो की वैल्यू वन ही होती है, तो पाई माइनस जीरो मीन्स पाई मिला हमें, और मीन्स इस, अब ध्यान से सुनना, माइनस वन क्लोज में, वन भी यहाँ क्लोज में, तो हम यहाँ वैल्यू इसकी क्लोज में ही लिखेंगे, पाई लिखेंगे माइनस वन के लिए और sec इनवर्स वन लिखेंगे जीरो के लिए, तो इसकी जो रेंज है वो जीरो टू पाई आ गई। मगर एक चक्कर है, क्या है, जीरो टू पाई में मतलब जीरो से लेके 180 तक 90 भी आ रहा है, और 90 पर sec इनवर्स कितना देगा, sec 90 मतलब sec जीरो जीरो, sec 90 पर इन्फिनिटी हो जाएगा, अब sec 90 पर इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी कोई वैल्यू होती ही नहीं है, इसलिए हमको एक्सेप्ट 90। ओके, मतलब जीरो से पाई इसकी रेंज होगी, मगर पाई बाई टू इसका कोई भी आंसर नहीं होगा sec इनवर्स वाले फंक्शन का। ओके, क्यों वो नहीं होगा, कारण समझ में आ गया ना, क्योंकि sec पाई बाई टू कितना देगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी यहाँ पर है ओपन वैल्यू, ओपन माने इंक्लूड है ही नहीं, तो इसलिए हम माइनस पाई बाई टू हमें आंसर मिलेगा ही नहीं sec इनवर्स x का, इसलिए हमारा इसकी जो रेंज निकल के आई वो जीरो टू पाई क्लोज में है, मगर जीरो पाई के बीच में 90 वाली वैल्यू आएगी तो उसे हटाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से इसकी वैल्यू निकाल लोगे आप लोग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये चलेगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू चलेगा इसका आंसर, और इसके बीच में माइनस नाइन्टी से लेके प्लस 90 तक एक वैल्यू जीरो आएगी, कॉसेक इनवर्स जीरो क्या देगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी यहाँ पे भी हटाना पड़ेगा, मीन्स इसमें से जीरो वाली वैल्यू हट जाएगी। तो मेरा जहाँ तक अंदाज है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा आप लोग जो तो समझते हो मेरे में कमी भी है, थोड़ा सा एटीट्यूड बताने की बहुत बड़ी कमी है, लेकिन ये दूर हो नहीं सकती, 52 इयर्स एज हो गई इस समय, 1 मई को मैं टोटल 52 इयर्स का हो जाऊंगा, तो वो ये गंदी आदत मेरी एटीट्यूड वाली जा नहीं सकती, माफ़ करना, लेकिन तुम लोगों के लिए, बच्चों के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी, डबरा के खास बच्चों के लिए, खास तौर पर डबरा के लिए, और मन में बहुत नरमाई है, लेकिन बाहर में नरमाई नहीं दिखा पाता, और शायद हो सकता है बचपन से मैंने कुछ ऐसा नहीं सीख पाया कि जिससे मैं, मेरे अंदर विनम्रता आए, तो मेरे इस अवगुण को माफ़ करते हुए यहाँ मैं जो सिखा रहा हूँ उसे सीखते जाओ, और किसी को अगर बुरा लगता हो, किसी स्टूडेंट को, किसी
टीचर्स को, हो सकता है टीचर्स भी देख रहे हों, लाइव हों या बाद में देखें, तो भाई मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कोई गलती हो रही हो बोलने में, कुछ शब्द भाई लाइव है, लाइव में तो डायरेक्ट चल रहा है, अब मैं देख तो कुछ गलत निकल गया मुँह से वो भी निकल जाएगा, सही निकल गया वो भी निकल जाएगा। अब मैं जब अकेला वीडियो बनाता हूँ, जब चुपचाप बनता है वीडियो, बाद में हम यूट्यूब पे डालते हैं तो उसमें कुछ एरर वगैरह हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो हम उन्हें एडिट कर देते हैं, उन गलतियों को हटा देते हैं, लेकिन यहाँ तो लाइव चल रहा है इसलिए थोड़ी बहुत जो कुछ गलतियाँ हो जाएँ तो मेरे को तुच्छ आदमी समझ के माफ़ कर देना। चलो हाँ, तो ये फंक्शन लिखे, इनवर्स फंक्शन लिखे, हमने डोमेन लिखे, डोमेन हमें नहीं रटना पड़ा, डोमेन से हमने रेंज बनाई, रेंज भी नहीं रटनी पड़ी। अब हम इनका यूज करेंगे कैसे, टाइम हो गया है 5:40, चलो ठीक है 10-20 मिनट में ये हमने साइड से क्वेश्चन से लिख दिए हैं। अब इतनी थ्योरी बताने के बाद आप लोग देखोगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय बड़ा इजी वे में सॉल्व होते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज मैंने नूतन आरवी त्रिपाठी बुक ली है, और क्योंकि एमपी बोर्ड में अधिकांश नूतन चलती है, हाँ लेकिन एनसीईआरटी सीबीएसई वाले स्टूडेंट भी, अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ आरवी त्रिपाठी यूज करते हैं तो एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के बीच का हिस्सा है ये, मतलब इसको मिनी आरडी बोल सकते हैं। नूतन बहुत अच्छी बुक है, अगर आप लोग सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स भी अगर नूतन वाली बुक कर लेते हैं तो इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, आप एनसीईआरटी आराम से लगा सकते हैं अगर अगर नूतन को आप अच्छी तरह से लगा लेते हैं, और नहीं लगा सकते तो ये क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स भी लगाओगे तो बड़े इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। हाँ, तो ये एक्सरसाइज लिए मैंने नूतन आरवी त्रिपाठी एक्सरसाइज 4A, यहाँ क्वेश्चंस नंबर भी लिखे, देखना बहुत इजी वे में सॉल्व होते जाएंगे, नहीं रटना है ये, बिल्कुल नहीं रटना, कुछ भी नहीं रटना। इस वाली एक्सरसाइज में से 1 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं, और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसका वेटेज सीबीएसई में 4 या 6 मार्क्स का रहता है, और एमपी बोर्ड में फिक्स है 5 नंबर का, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, सब्जेक्टिव 4 नंबर का। तो इस एक्सरसाइज में से ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स -1। अब आप लोग कह रहे होगे सर ये तो आपने रेंज निकालने में ही बता दिया, फिर काहे का क्वेश्चन। तो देखो जब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे थ्योरी, ठीक है, तो फिर मैथमेटिक्स में ज्यादा कुछ रह ही नहीं जाता, सवाल करना तो बहुत आसान काम बन जाएगा, सवाल बहुत इजी वे में, जैसे ये सॉल्व करना है साइन इनवर्स, माइनस हटाना है तो आगे माइनस लगा देंगे, तो एक बार फिर रिवाइज कर दूं, माइनस डायरेक्ट किस किस में बाहर आता है, साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स एक्स में, कोसेक इनवर्स एक्स में, पाई लगता है, इनके अलावा जो 3 फंक्शन बचते हैं कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स। ओके, साइन इनवर्स 1, साइन 5/2, साइन इनवर्स से हटा दो तो ये बचा -5/2। प्रिंसिपल वैल्यूज यूनिक होती है इनवर्स फंक्शन की, और ये जरूर देख लिया करो कि ये जब हम सवाल सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं तो वो प्रिंसिपल वैल्यूज माने उसकी रेंज में आ जाना चाहिए, बस ये जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये इसका आंसर हो गया, तो मेरा जहां तक अंदाजा क्वेश्चन नंबर 1 के तो सारे पार्ट्स स्क्रीन पर दिख रहा है, अच्छा जी लीड लगी है, हाँ साइन इनवर्स -1, कॉट इनवर्स, चलो इसमें से थर्ड वाला पार्ट, थर्ड कॉट इनवर्स -1/√3, पाई लगेगा इसमें, चलिए पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट में 1/√3 वैल्यू होती है 60 डिग्री की,
कॉट वन बाई, कॉट वन बाई मतलब कॉट 60 डिग्री इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री, ओके पाई माइनस कॉट इनवर्स से कॉस हटा दो, पाई बाई थ्री आया, एलसीएम ले लेंगे तो 2 पाई बाई थ्री इसका आंसर हो गया। चुटकियों में, हाँ सवाल आप बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, देखना थोड़ी देर देख लो। तो एक बार फिर समझा दें, कॉट इनवर्स माइनस था, इसमें माइनस था डायरेक्ट आया, कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स सेक इनवर्स पाई लगाना पड़ेगा, पाई लग गया माइनस हट गया। फिर हम देखेंगे कॉट इनवर्स में वन बाई रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, मतलब कॉट में वन बाई रूट थ्री देगा कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू, कॉट इनवर्स ये हट गया, पाई बाई थ्री बच गया, एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई थ्री, ओके। यदि आज आप एक्सरसाइज पूरी करेंगे बड़ा इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मींस हो गया 120 डिग्री। भाई कैसे, जो मैंने रटा नहीं है, मैं हमारे परिवार में खानदान में आदत है रट तो सकते ही नहीं है, जहां भी डायरेक्ट भी बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो यूज माइंड में मतलब कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ता है हम लोगों को। कैसे, आप लोग भी सीख लो, पाई बाई 3 मैंने कितना होता है 60, 60 का गुणा 2 से करेंगे तो 120, तो ये किसकी वैल्यू हो गई कॉस 120 की, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स से कॉस हम जब ही हटा सकते हैं जब वो वाला एंगल उसकी रेंज में आ रहा हो, तो बिल्कुल उसकी रेंज में है, कॉस इनवर्स की रेंज थी 0 टू पाई, 0 से देके 180 तक का जो भी एंगल होगा वो उसकी रेंज में आ जाएगा, किसकी रेंज में कॉस इनवर्स की में, अगर उसकी रेंज में आ रहा है तो हम ये कॉस इनवर्स हटा देंगे तो ये बचा 2 पाई बाई 3। अब आया कॉस, एक कॉस कॉस में तो 120 उसकी रेंज में आ रहा था, लेकिन साइन इनवर्स की रेंज है माइनस 90 से लेके प्लस 90 तक, तो ये तो 120 हो गया, उसकी रेंज में नहीं आ रहा। अब जब रेंज में नहीं आ रहा तो इस एंगल को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा उसकी रेंज में लाने के लिए। अब रिड्यूस कैसे करेंगे वो देख लो, एक चीज, अब मैंने लिखा है इसको साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, यहां पे भी एक बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इतना तो अनुभव हो गया कि यहाँ पे भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर आपने तो 2 पाई बाई 3 को फटाफट लिख दिया पाई माइनस पाई बाई 3, हमें नहीं आता लिखना ऐसे, तो मैं बता दूं एक सिंपल सी ट्रिक है, 2 अपॉन 3 मींस 2 में डिवाइड देना है किसी का, किसका 3 का, तो डिवाइड देने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, 3 बन जा 3 या माइनस 1, यहाँ जो रिमाइंडर आए चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो लेकिन होना चाहिए कम से कम। तो फ्रैक्शन को लिखने का क्या तरीका है, कोसेंट फिर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर, फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या है, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर निगेटिव है इसलिए निगेटिव साइन लगा दिया, अपॉन डिवाइजर। अब इसके साथ में पाई और चल रहा था तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 इक्वल टू पाई का मल्टीप्लाई कर दो पाई माइनस पाई बाई 3, इस तरह से हम एंगल को रिड्यूस कर लेते हैं किसके लिए, ऑल सिल्वर टी कप और उसकी रेंज में लाने के लिए, ओके। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि 2 पाई बाई 3 को पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा माने सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है साइन का, और 180 पर वो 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही देगा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, ओके
टू पाई बाई थ्री प्लस, अब साइन इनवर्स से साइन हटा सकते हैं क्योंकि ये जो एंगल है उसकी साइन इनवर्स की रेंज में आ चुका है, तो पाई बाई थ्री, और एलसीएम ले लेंगे तो थ्री पाई बाई थ्री में आपका आंसर बचेगा पाई। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, साइन पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। तो मेरा जहां तक अंदाजा, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए इस एक्सरसाइज में, बड़ा मैंने आज ये क्लास स्टार्ट की है 5:10 और अभी 6:10 की और देर है, तो हो जाएगा, थोड़ा सा 5-10 और पढ़ लो। साइन ये माइनस साइन इनवर्स माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 साइन पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री, मीन्स पाई बाई सिक्स साइन। अरे काय का एलसीएम लेना, पाई बाई टू माने 90, पाई बाई सिक्स माने 30, 90 और 30 120, 120 को हमने अव्यय लिखा था 2π/3, तो ये आ जाएगा 2π/3। साइन 120 की वैल्यू निकालनी है तो पाई माइनस पाई बाई थ्री मीन साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2। ओके, तो साइन ये इसकी वैल्यू आ गई। तो अब तो मेरा अंदाज है सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग बोल तो सकते नहीं हो, एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं। चलो फोर्थ क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ, ये नूतन एक्सरसाइज 4, एक बार फिर बता दें, आरवी त्रिपाठी क्लास 12th एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। ये cot पाई बाई टू माइनस टू cot इनवर्स √3। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि कोरोना के चक्कर में बहुत बढ़िया आराम मिल रहा था, घर में रेस्ट कर रहे थे, सर ने स्टार्ट कर दिया, घर वाले भी कहते हैं पढ़ लो बेटा पढ़ो पढ़ो, क्योंकि सर ने स्टार्ट कर दिया है मैथमेटिक्स तो पढ़ लो, तो भैया मेरे को गाली मत देना। आप लोग बता देना अगर सोचते हो कि 2-4 दिन का रेस्ट ले लें तो 2-4 दिन क्लास को स्टॉप कर देंगे। फेसबुक पे कोई कमेंट में लिखता नहीं है, मेरे को पता ही नहीं चलता कितने लोग आप देख रहे होते हैं कितने नहीं देख रहे होते हैं, और कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं कोई फालतू ही तो नहीं पढ़ा रहा, पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं। भाई मेरे पास तो ये कैमरा लगा है, मतलब मोबाइल लगा है, और मोबाइल में मैं स्क्रीन पे तो देख नहीं पा रहा कि कौन कौन इस समय लाइव है या कितने इसके व्यूज चल रहे हैं, तो थोड़ा फेसबुक के मैं पोस्ट में जो पोस्ट करता हूँ उसके इनबॉक्स में लिख दिया करो, अपनी परेशानी लिख दिया करो, अपन जो भी कोई दिक्कत हो उसको लिख दिया करो। भाई लाइक करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, भाई मेरे को लाइक से ही पता चल जाएगा कि इतने लोगों ने ये वीडियो देखा, और नहीं तो फिर तो मैं अकेले में बना लूंगा ना चुपचाप वीडियो, और पोस्ट करना होगा तो पोस्ट कर दूंगा, तो मेरे को लगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका बेनिफिट बच्चों को मिल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ। मैं अपनी मान बढ़ाई नहीं चाहिए मेरे को कि भाई हाँ विनोद सर को मान बढ़ाई मिल रही हो या विनोद सर ऐसा करना चाह रहे हैं करोड़पति बनना चाह रहे हो, भाई मेरे भाग में करोड़पति बनना तो लिखा ही नहीं है, मेरे भाग में ठीक है दाल रोटी है, और वो डबरा वालों की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि मेरे को दाल रोटी दे रहे हैं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि शांति के साथ चैन के साथ दाल रोटी मिलती जाए बस, और बाकी बच्चों को जब तक दम है तब तक पढ़ाता रहूं। हाँ, cot पाई बाई टू माइनस टू cot √3, cot में √3 वैल्यू होती है 30 डिग्री मीन्स पाई बाई सिक्स cot पाई बाई टू
माइनस पाई बाई थ्री बचा। अब एलसीएम एलसीएम नहीं लेंगे अपन, यही देख लो ना, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन पाई बाई थ्री, टेन पाई बाई थ्री मीन्स टेन सिक्सटी डिग्री, टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू आ गई रूट थ्री। तो इस तरह से हम बड़ा इजी वे में थर्ड का सेकंड, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड और देख लो भाई, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। अच्छा सी को देखते हैं, कॉस, वैसे मुझे पता है सिंसियर बच्चे जैसे उत्कर्ष हुआ, प्रभात हुआ, और यतेंद्र है, प्रदीप है, और गर्ल्स में गौरी है, और काफ़ी बच्चे हैं और मैं नाम भूल जाता हूँ, जो मेरी बड़ी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो लग रहा है कि ये बच्चे तो देख रहे होंगे। हाँ, और इलेवेंथ से जो ट्वेल्थ में जो बच्चे आए हैं, जैसे श्रुति है और आकाश है और ध्रुव गुप्ता है, और भी बच्चे हैं, लवित है, तो काफ़ी बच्चे हैं मेरे, नहीं ले पा रहा सबके नाम, मेरे को याद नहीं आ पा रहे, मुझे पता है लाइव होंगे और पूरा पूरा इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। और आप लोग एक्सरसाइज जिस जिनकी यूनिट वन छूट गई हो, रिलेशन फंक्शन, मैंने बताया ना जब रिलेशन फंक्शन मैंने स्टार्ट किया था और शुरू में कह दिया था थ्योरी बेस है, और थ्योरी बेस में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आता है, लेकिन ये तो बहुत तुम्हें अच्छी लगेगी, और कल की जो एक्सरसाइज है इससे भी अच्छी है, फॉर्मूले हैं, लेकिन वो फॉर्मूले प्रूफ करवाऊंगा, उसके बाद ही सवाल सॉल्व करेंगे, बिना प्रूफ किए नहीं पढ़ेंगे अपन आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट बोला कि सेकंड पार्ट बोला था, सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड तो इसमें लिखा नहीं है, थर्ड वाला, अच्छा थर्ड वाला, कॉस, कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स, कॉस, कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू, सबसे पहले माइनस को बाहर लिया, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स, ओके, कॉस इनवर्स है अंदर फंक्शन, माइनस लगा था हमने पहले, माइनस हटा लिया, और माइनस हटाएंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा पाई माइनस कॉस थीटा वाला, कॉस इनवर्स एक्स वाला, तो पाई माइनस कॉस में रूट थ्री बाई टू वैल्यू होती है 30 डिग्री की, 30 डिग्री माने पाई बाई सिक्स और प्लस पाई बाई सिक्स, ओके, पाई कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू कॉस में 30 डिग्री माने पाई बाई सिक्स, आप लोग ये डायरेक्ट याद रखना भाई वैल्यू, 30 डिग्री माने मीन्स पाई बाई सिक्स, 60 डिग्री माने पाई बाई थ्री, ओके, और प्लस पाई बाई सिक्स है, ये कैंसिल हो गया, ये बचा कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे, फिर भी मैं याद करवा दूं, याद रखना है या इसको ही बताएं, कॉस पाई, कॉस थ्री पाई, कॉस सेवन पाई, कॉस नाइन पाई, माने पाई के साथ अगर ऑड इंटीजर है तो वैल्यू होती है माइनस वन, और पाई के मल्टीपल में मतलब पाई के मल्टीप्लाई में अगर वैल्यू ऑड इंटीजर होगा तो माइनस वन, इवन इंटीजर होगा तो प्लस वन, माने कॉस पाई, कॉस थ्री पाई, कॉस फाइव पाई, कॉस सेवन पाई, ये सब आंसर देंगे माइनस वन, और कॉस पाई, कॉस टू पाई, कॉस फोर पाई, कॉस सिक्स पाई, ये सब आंसर देंगे प्लस वन, और पाई बाई टू के साथ में कोई भी ऑड इंटीजर हो, सॉरी पाई बाई टू के साथ में ऑड इंटीजर हो, माने कॉस पाई बाई टू, कॉस थ्री पाई बाई टू, कॉस फाइव पाई बाई टू, ये सब आंसर देते हैं जीरो, थोड़ा बहुत याद रख लो, और मान लो जैसे याद नहीं होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, इसको हम थीटा ले लेंगे, तो कॉस 90 प्लस थीटा होता है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा,
कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट 90 है, फंक्शन चेंज होगा, माइनस लग गया, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन पाई वाई की वैल्यू माइनस वन, तो कॉस पाई तुमने देखा माइनस वन निकल के आई, तो कॉस पाई की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट लिख देते तो माइनस वन, और मान लो हम भूल गए तो ये तरीका यूज कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में रटना बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप उनके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग कंसेप्ट लेके चलोगे, कितनी भी मंजिल खड़ी कर दो फिर वो तुम्हारा मकान मकान नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मिट्टी का मकान और आरसीसी का मकान, बात तो एक ही है, मकान बन गया, मकान बनाना आना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले याद करेंगे और सवाल करेंगे तो मिट्टी का मकान बनेगा, और अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करके चलेंगे, फॉर्मूले हमें रटना नहीं है, उनको समझ के चलना है, तो आपका लाइफ बिल्कुल आरसीसी मकान की तरह चलेगी, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अच्छे से अच्छे भूकंप को भी झेलने की क्षमता होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।